आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl एट 348 केल्विन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विल बी हाउ मच, ये पूछा है हमसे, ठीक है। और देखिए रिएक्शन क्या दिया है, 0.5 मोल ऑफ H2 गैस प्लस 0.5 मोल ऑफ Cl2 गैस गिव्स HCl, ठीक। और डेल्टा H दिया हमें 298 केल्विन पे, ये है -22,060 कैलोरीज, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा है देन कि द मीन हीट कैपेसिटीज ओवर दिस टेम्परेचर रेंज, ये भी बताया गया हमें मीन हीट कैपेसिटीज जो है ओवर द टेम्परेचर रेंज ऑफ H2 दिया गया, Cl2 दिया गया और HCl का दिया गया। और हमसे पूछा हीट ऑफ फॉर्मेशन HCl का 348 केल्विन पे क्या हो, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए हम जो है मीन हीट कैपेसिटी से तो डेल्टा CP निकाल लेंगे रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा CP कैसे निकलेगा, देखिए मैं लिखूंगा इधर डेल्टा CP रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा CP प्रोडक्ट माइनस डेल्टा CP रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, देखिए अब प्रोडक्ट में क्या है हमारा HCl है और HCl का कितना दिया 6.81 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, तो इसको देखिए 6.8 मोल लिखा जाएगा, 6.81 है एक्चुअली माइनस। अब देखिए इधर क्या है डेल्टा CP जो है कि Cl2 को कितना दिया 7.71 कैलोरी पर मोल, पर हमारे पास कितना मोल है 0.5 मोल, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 0.5 इंटू 7.71 प्लस अगेन H2 का भी 0.5 मोल है और इतना दिया गया है तो 0.5 इंटू 6.82, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेल्टा CP जो है रिएक्शन का उसकी वैल्यू आएगी -0.455, ठीक है। तो ये आ गया हमें डेल्टा CP रिएक्शन। अब देखिए हमें जो है डेल्टा H 298 केल्विन पे दिया गया है डेल्टा H नॉट सॉरी, और हमें डेल्टा H जो है निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है डेल्टा एच नॉट एट 348 केल्विन निकालना है। तो देखिए हम जो है यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे हम डेल्टा एच नॉट एट 348 इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट एट 298 प्लस डेल्टा CP जो रिएक्शन का है डेल्टा CP रिएक्शन इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये इस तरह जो है हम डेल्टा एच नॉट 348 निकाल सकते हैं 348 केल्विन पे। तो क्या होगा, देखिए ये कितनी है, ये है -22060 कैलोरीज, ये इतना है प्लस डेल्टा CP क्या था रिएक्शन का, ये था -0.455 और T2 माइनस T1 जो है देखिए हमें दिख रहा है कितना है 348 माइनस 298, तो ये हो गया 348 माइनस 298, तो ये हो जाएगा देखिए -22060, इसको भी माइनस ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी होगा -0.455 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो इसकी फाइनल वैल्यू जो है कैलकुलेट करके ये आएगी -22083, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, इतनी कैलोरीज इतनी आ जाएगी वैल्यू हमको, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी जो है हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।